कबड्डी का मैच शुरू होने वाला है 14 मिनट बाद। अपने को क्या लगता है, क्या इसमें टीम बनाना पॉसिबल है क्या? अगर है तो कैसे है? कबड्डी में टोटल खेलते हैं 14 प्लेयर्स, 7 वहाँ 7 वहाँ। इसमें भी ना सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जैसे कोई इंजर्ड हो गया तो वो उसकी जगह कोई और आ जाता है, इंजरी भी और वो होता है कोई ना इसमें। जैसे अपने को टेक्निकल टर्म्स तो पता नहीं है, बट इसमें अगर देखा जाए कि कैसे होता है, जैसे ना अब ये है 3 सेक्शन है, जैसे अपने क्रिकेट में 4 सेक्शन होते हैं ना, कबड्डी में 3 सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके अंदर 7 है, मतलब ये 3 तो कटेंगे कटेंगे। अब ये परमोटेशन चलती है, मिनिमम 2 तो लेनी लेनी है और मैक्सिमम 4 ले सकते हैं इसके अंदर। 2 मिनिमम यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है। अब लेना चाहूँ एक एक यहाँ लेके मैं यहाँ पे 4 ले सकता हूँ, एक फिर भी यहाँ पे लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब यहाँ क्या किया जाए, अब ये वी खंडन है, अगर मैं पॉइंट्स देखूँ वी खंडन के सबसे ज़्यादा अभी तक, तो हम वी खंडन पक्का ले लेते हैं। और ऑलराउंडर में ये डी निवास होंडा ले लेते हैं, मतलब इन दोनों को पक्का छोड़ेंगे ही नहीं, ये दोनों पक्का हो गए अपने, ठीक है। कहते हैं यहाँ से जो प्लेयर्स हैं ना ऐसे ही हैं, ज़्यादा वो है नहीं। ये है विनय, विनय अच्छा है, मेरे को सही लग रहा है, तो मेरे ख्याल से विनय सही रहेगा। वी खंडनवाला आ गया, विनय आ गया, ये 3 बंदे हम नहीं छोड़ेंगे। परमुटेशन कम्बिनेशन हम देखते हैं कहाँ कर सकते हैं। एस कुमार धुल ये ले सकते हैं हम क्या? इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट होता है पॉइंट्स के कारण। अब ये है डी, ये बंदा पक्का टीम में है, ये भी पक्का हो गया, तो 4 प्लेयर तो मेरे को पक्का है जो टीम में रहेंगे रहेंगे। अब आता है सुनील की बारी, सुनील टीम में होना चाहिए, सुनील भी टीम में हो जाएगा। अब आएगी क्रेडिट्स के चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि 11 नंबर में वेरी गुड, अनाउंस में एक बंदा है पवन। अब ये पूरी टीम बन गई, ठीक है, बना दी पूरी टीम, कंटिन्यू किया भाई। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन है बड़े, तो वी खंडोला डी निवास, ये एक टीम बनी, ठीक है। अब ज़्यादा टीम्स के साथ खेल के देख लेते हैं। ये हुआ, मैंने अब कहा इसको अब करना है। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये भी रख ही रहा हूँ, डी खंडोला था ना, अब इसको कर दिया, इसको कर दिया, 2 टीमें होगी, ठीक है। एक और टीम लगाते हैं, अब इसमें थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको जब हटा दिया तो प्लेयर लेंगे हम 13.5 का, ये वधिया बंदा है, 13.5 का ये ले लिया, अच्छा तो वो रहेगा ही रहेगा। 12.5 का मिल सकता है कोई, 12.5 में कोई और आ सकता है उसकी जगह, 11 11.5 यहाँ पे कोई हो या यहाँ पे कोई हो, अनाउंस तो ठीक है आएगा भी वही 12.5 में कोई वधिया प्लेयर नहीं है, तो वही जो था वहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यही पवन, कि इन केस वो बंदा नहीं चलता तो ये कर लेंगे अपन वी खंडोला दी। और कोई टीम बनाना चाहता है? मैंने कहा और कोई टीम बना के भी देख लेते हैं क्या प्रोबेबिलिटी रहती है। मैंने कहा ये भी रख लेते हैं, ये भी रख लेते हैं, इसकी जगह रवि कुमार लेते हैं, रवि कुमार चलता है क्या? माता का माला चल जाता है। अब मैं इसको लेना चाहता हूँ, इसको लेना चाहते तो क्या छोड़ेगा, विनय को छोड़ना चाहिए, विनय को छोड़ना चाहिए, तो विनय छोड़ के पी राय कुमार मिल जाएगा, वेरी गुड, ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, अब 13.5 में कोई और बढ़िया मिल जाएगा, वी काले है, बट फिर वो चीज़ हो जाती है कि आपने सारे हरियाणा के ले लिए हैं। हाँ तो क्या रह गया, एन रावल ले सकते हो, एन रावल चलता भी है, चलता है, तो ऐड टू माय टीम ये किया, सो गो विद इट। हरियाणा से ये है, जयपुर से वो है, तो अपन हरियाणा ही चक रहे हैं, हरियाणा चक लिया, ये कर दिया, सेम टीम के साथ एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे। कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, तभी कर रहे हैं ना। अब ये देख ये किया, अब अपन क्या करना है, यहाँ गए अपन ये 40 रुपये की जो टीम है ना वो सारी ज्वाइन करा लेनी है, 40 रुपये की टीम कर ली ज्वाइन,
175 रुपये भर रहे हैं आप जेब से। तो अब इस वीडियो को बनाने का पता है क्या हुआ मोटिव, यहाँ पे अपन ने देखा अपा जब टीम बना रहे हैं ना, अपन ने चेक किया इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से हैं, उनको नहीं छोड़ रहे, जो नॉन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ना उनके बीच में शफल किया। अब होने को एक और चीज़ कर सकते थे, जो नॉन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी है ना उनके बीच में भी हम कर सकते थे, इसको छोड़ दो, इसको रख लो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो इन चीज़ों को कहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यहीं से सीखते सीखते बढ़ते जाओ और इंडिया के मैचेस में इसको लगाएंगे। सो चलो देखते हैं क्या बनता है।